इसराइल और फिलिस्तीन के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। और इस रॉकेट हमले में मारी गई भारत की एक महिला, नाम था सौम्या संतोष। जब उनकी मौत हुई तो वो वीडियो कॉल पर अपने पति से बात कर रही थी। सौम्या की खबर सुनकर हर कोई दंग रह गया था। ऐसे में इसराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल सौम्या के परिवार का खर्च अब इसराइल उठाएगा। इसकी घोषणा इसराइल के अधिकारियों ने कर दी है। बता दें कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान हमास की ओर से दागे गए रॉकेट की चपेट में आने से सौम्या की मौत हो गई थी। सौम्या केरल में इडुक्की जिले की रहने वाली थी और हमले के वक्त वो अपने पति से फ़ोन पर बात कर रही थी। भारत में इसराइल के उप उच्चायुक्त रॉनी येदिदिया ने न्यूज एजेंसी से कहा कि सौम्या के परिवार को इसराइल की ओर से न सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा बल्कि परिवार का खर्च भी इसराइल ही उठाएगा। इसराइल के उप उच्चायुक्त ने कहा, हम परिवार के संपर्क में हैं। जब यह हादसा हुआ तो वो अपने पति से बात कर रही थी और मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उनके पति के लिए कितना भयानक होगा। वो जो महसूस कर रहे होंगे उसको लेकर मैं सिर्फ संवेदना ही जाहिर कर सकती हूँ। सौम्य संतोष का शव भारत भेजने को लेकर येदिदिया ने कहा, राजदूत ने कल परिवार से बात की है और पूरे इसराइल की तरफ से संवेदनाएं जाहिर की हैं। हम सौम्य संतोष के परिवार और तेल अवीव में भारतीय दूतावास के भी संपर्क में हैं। भारतीय दूतावास ही शव को देश भेजने का इंतजाम कर रहा है। परिवार का पूरा ध्यान इसराइल की ओर से रखा जाएगा और जो हुआ उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि एक माँ और पत्नी के जाने की भरपाई कोई नहीं कर सकता। बता दें कि सौम्य पिछले 7 सालों से इसराइल में रह रही थी। मंगलवार की शाम को रॉकेट उनकी छत पर आ गिरा था। एक तरफ जहाँ इसराइल एक एक मौत का बदला ले रहा है, वहीं देश में बैठे लिबरल्स और कट्टरपंथी अलग ही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं दीपक कुमार।